स्टडी आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। मैं हूं जयंत श्रीवास्तव। तो आप जैसा कि पूर्व में एक रिपोर्ट में हम यह स्पष्ट कर चुके हैं कि सीतापुर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर इस बार एससी महिला के लिए ये सीट आरक्षित कर दी गई है, लेकिन इससे इसके बाद जो हमारे पास जानकारी आ रही है वो आपको बता दें कि सीतापुर के 19 विकास खंडों में कितनी सीटें एससी के लिए और एससी महिलाओं के लिए, ओबीसी और ओबीसी महिलाओं के लिए, इसके अलावा कितनी सीटें अनारक्षित रहने वाली हैं। तो ये ताज़ा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं जो पंचायत चुनाव की हर गतिविधियों को पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, खासकर जो आरक्षण प्रक्रिया है उसको आप तक पहुंचा रहे हैं। वो मौजूद हैं हमारे साथ जयंत श्रीवास्तव। हम एक बात और आपको बता दें कि सीतापुर के 19 विकास खंडों में स्थिति पहले जैसी ही रहने वाली है, बस सिर्फ बदलाव क्या होना है, ब्लॉक इस बार बदल जाएंगे, जो पिछली बार आरक्षित थे वो बदल जाएंगे, लेकिन जितनी सीटें पिछली बार आरक्षित कोटे में गई थीं उतनी ही सीटें रहेंगी। पूरी अपडेट के साथ जयंत श्रीवास्तव इस पर जानकारी देंगे। आप ये बताइए कि 19 विकास खंडों में कितनी सीटें एससी के लिए और कितनी ओबीसी के लिए और सामान्य वर्ग में कितनी सीटें जा रही हैं? देखिए, मैं बता दूं कि अपने सीतापुर जनपद में 19 ब्लॉक हैं। 19 ब्लॉक में 5 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं और 5 सीटें पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। 9 सीटें जो हैं अनारक्षित की गई हैं। इसमें एससी वर्ग में हम अगर बात करें तो 2 सीटें महिला के लिए आरक्षित की गई हैं, 3 सीटें पुरुष वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। इसी प्रकार ओबीसी में भी 2 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं और 3 सीटें पुरुष वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। तो जिस तरीके से आपने जानकारी दी है कि 5 सीटें ओबीसी के लिए और 5 सीटें जो है वो एससी के लिए, इसमें कितनी महिलाओं के लिए, कितनी पुरुषों के लिए, इसके अलावा 9 सीटें अनारक्षित रहेंगी। जयंत जी, ये भी जानकारी चाहते हैं कि पिछली बार जो ब्लॉक प्रमुख के 19 पद हैं उनमें क्या स्थिति थी, कितनी कितनी सीटें किस वर्ग को आरक्षित की गई थी? पिछली बार भी अगर तुलनात्मक चर्चा करें तो इस बार जो आरक्षण कोटा रखा गया है सेम वैसे ही पुराना था, लेकिन ब्लॉकों में थोड़ा बहुत अंतर अब की इस बार होना है कि जैसे मान लिया पिछली बार जो है 6 सीटें ब्लॉक में सामान्य के लिए दी गई थी, उसमें सिधौली, एलिया, लहरपुर, बिस्वा, परसेंडी, पिसावा ये सामान्य वर्ग के लिए थी पुरुष वर्ग के लिए, और बेहटा, खैराबाद, कसमंडा ये महिलाओं के लिए थे आरक्षित। इसी प्रकार एससी के लिए 3 पुरुष वर्ग के लिए थी, इसमें मिश्रिक, कुंदलामऊ और मछरेटा ये पुरुष वर्ग के लिए आरक्षित थी, रेवसा, रामपुर, मथुरा महिला वर्ग के लिए थी। इसी प्रकार ओबीसी पुरुष वर्ग के लिए सकरन, पहला, महमूदाबाद आरक्षित की गई थी और महोली और हरगांव पिछड़ा वर्ग महिला वर्ग के लिए आरक्षित थी। तो ये बताइए कि ये शासन स्तर से अब ये तय हो गया है कि कितनी सीटें यहाँ पर आरक्षित कोटे में जाएंगी, कितनी सीटें ओबीसी को जाएंगी, कितनी सामान्य जाएंगी, ये फाइनल कब तक जिला स्तर पर होने वाला है? ये मतलब वहाँ से इनको सीटें आरक्षित कर दी गई हैं कि इतनी सीटें आपको
SC में रखनी है, OBC में रखनी है और इतनी अनारक्षित रखनी है। बाकी अब ये डाटा यहाँ पे जिला स्तर पे तय होगा और एक मार्च को इसका अंतिम प्रकाशन हो जाएगा। इसके बाद ये प्रस्ताव मांगे जाएंगे, 15 मार्च को इसका फाइनल प्रकाशन होगा। तो 15 मार्च को ब्लॉक प्रमुख पदों के आरक्षण पर फाइनल प्रकाशन कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि ब्लॉक प्रमुख के सीतापुर के 19 पदों के लिए जो खाका आया है आरक्षण का, वो निदेशालय से आ चुका है, जिसके मुताबिक 5 सीटें OBC के खाते में, 5 सीटें SC के खाते में और 9 सीटें अनारक्षित रखी जाएंगी, जैसा कि पहले भी ऐसा ही हुआ था। और इसके अलावा उनमें से महिला और पुरुष वर्ग के लिए कितनी कितनी सीटें देनी हैं, ये आंकड़े जिले में आ चुके हैं। अब इसी के अनुसार जिले में जो जातिगत आंकड़ा है 2001 की जनगणना के अनुसार, उसमें तय होगा कि कौन सा ब्लॉक इस बार आरक्षित कोटे में आएगा, कौन सी सामान्य वर्ग में जाएगा। ये तय जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट को करना है, जो 15 मार्च तक फाइनल कर देंगे। तो आपको पल पल की जानकारी आई इंडिया पहुंचा रहा है आरक्षण से जुड़ी हर एक खबर को। इसके अलावा अगर हम अब प्रधान पद की भी बात कर लें, तो आपके पास शायद डाटा आ चुके होंगे प्रधान पद के लिए भी, जो खाका आ चुका है प्रदेश से, प्रदेश में निर्धारण हो चुका है कि कितनी सीटें किसको मिलने वाली हैं, उसका भी तय हो चुका है। अब सिर्फ जिला स्तर पर उसको छटनी होनी है और जिला स्तर पर उसकी प्रक्रिया को अमल में लाया जाना है। अगली कड़ी में हम प्रधान पद पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन जो हमें जानकारी अब तक मिल रही है उसके मुताबिक अगर प्रदेश में अगर बात करें तो 58,194 ग्राम पंचायतों में से ग्राम पंचायत प्रधान पदों के लिए 19,569 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जा रही हैं, जो कुल ग्राम पंचायतों का 33.78% हैं। तो इस तरीके से इस बार भी जो निर्धारण होगा आरक्षण का, उसमें ये कहा गया है कि निदेशालय स्तर पर विकास खंडवार प्रधानों के पदों का आरक्षण चार्ट तैयार कर जनपदों को उपलब्ध कराया जा रहा है, यही बताया गया है। इसके बाद ये निर्धारण ब्लॉक स्तर की जनगणना के अनुसार होगा, जनगणना और चक्रानुक्रम आरक्षण जो लागू होगा उसके अनुसार होगा। तो ब्लॉक स्तर पर जो जनगणना है और जो चक्रानुक्रम है, उसके आधार पर प्रधानों के पदों पर भी आरक्षण लागू होगा, ये जयंत श्रीवास्तव का कहना है। इसके अलावा हम आपको जानकारी दे दें जनपद स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही। जनपद स्तर पर आरक्षित ग्राम पंचायत प्रधानों तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आवंटन का जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्ताव 20 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक तैयार किया जाना प्रस्तावित है। और अगर जानकारी दें हैं आपको तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उपसूची का प्रकाशन 2 एवं 3 मार्च को कराया जाएगा, तो अनंतिम ये होगा जैसा कि आप कह रहे हैं। इसके बाद क्या रहेगा? प्रस्ताव मांगा जाएगा। इसके बाद जी सूची तैयार की गई है उसका प्रस्ताव मांगा जाएगा, किसी को आपत्ति है तो वो अपना आपत्ति दे सकता है। इसके बाद जो DM की अध्यक्षता में समिति गठित है वो उसका निस्तारण करेगी और 15 जो है मार्च को उसका फाइनल प्रकाशन होगा। यानी जैसा जयंत जी बता रहे हैं, प्रस्तावित सूची जो है 8 मार्च तक आएगी, जिसपे आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। आपने जानकारी दी, परीक्षणोपरांत अंतिम सूची का प्रकाशन 13 एवं 14 मार्च को किया जाएगा। सीधे स्पष्ट कर दिया है कि 13 और 14 मार्च को अंतिम प्रकाशन सूची होगी और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आरक्षित ग्राम पंचायत के प्रधानों तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूचना 15 मार्च को निदेशालय को उपलब्ध कराया जाएगा। तो जाहिर सी बात है 15 मार्च तक सारा कुछ सामने आ जाएगा, सारे आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। और इस तरीके से जो हाई कोर्ट ने निर्देश दे रखा है कि हर हाल में 30 अप्रैल तक चुनाव करा लेना है, तो सारा कुछ उसी के अकॉर्डिंग में शासन तैयारी कर रहा है। उम्मीद है कि सब कुछ
निर्धारित किए गए जो हाईकोर्ट ने निर्धारित की है तिथियां, उसमें पूरा हो जाएगा। तो आप बने रहिए आई इंडिया के साथ, हम आपको पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर अपडेट कराते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। स्टूडियो आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। एसडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।